नाना पाटेकर का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लड़का ऐसे आता है सेल्फी लेने के लिए और नाना पाटेकर उसे बजा देते हैं। अब उसके बाद बहुत सारे लोग ने बहुत सारी चीज़ कही। नाना पाटेकर आए खुद स्क्रीन पर और उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। मैं उनका क्लैरिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, देखिए। यही एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ मेरे किसी बच्चे को मारा है। हालांकि ये सीक्वेंस हमारे फिल्म का हिस्सा है, हमने एक रिहर्सल कर दी थी। एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि ए बुढ़ा, टोपी बेचनी है क्या? मैंने हैट पहनी हुई है। तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, मारता हूँ और मैं कहता हूँ बदतमीजी बंद करो, तमीज से पेश आओ, ये तरीका नहीं है, और वो भाग जाता। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहां से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है। तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। उन्होंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहां से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। उनको बुलाने जा रहे थे तब तक वो भाग गया। अगर गलत फैमिली कोई है तो माफ करोगे। आपने क्लैरिफिकेशन देखा, अब इसके बाद पब्लिक क्या बोल रही है वो देखिए। सर मेरे सामने की बात है, आप साफ झूठ बोल रहे हैं। नेगेटिविटी फैलाने में देर नहीं लगती, वी लव यू सर। आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो चलेगा? पीपल जस्ट मेकिंग एनी थिंग अप नाव डेज, मच रिस्पेक्ट टू यू सर फॉर क्लीनिंग इट अप। झूठ बोल रहा है सर, आपसे गलती हो ही नहीं सकती है। कुछ भी हो पर मारना नहीं चाहिए, गलत है ये, किसी को मारने का तुमको अधिकार नहीं है। शेम ऑन यू, तुमको सर पर चढ़ा कर रखा है ना, डैश हम है। बी ब्रेव इनफ टू एडमिट यू स्लैप्ड हिम फॉर नो रीज़न एंड फॉर द रीज़न ही वॉज जस्ट योर फैन। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नानू जी आपने थप्पड़ तो मारा है, कुछ भी कहो, सफाइया ना दो, मेरे नानू नहीं है, मैंने शुरू से आपको नानू माना है। एक नाना अपनी पोती को ये सीख देगा, मैंने सोचा नहीं था, आज से आप मेरे नाना नहीं हो। हमें सिर्फ लाइफ में एक ही बात का ध्यान रखना है, आप हो ना आप आपकी फैमिली के लिए सेलिब्रिटी हो, आप आपकी फैमिली के लिए हीरो हो, क्योंकि आप मेहनत करते हो, अपना घर चलाते हो, अपने घर वालों को प्यार देते हो। तो कोई सेलिब्रिटी के पास अगर आप जाते हो, जाकर पूछ लो क्या मैं आपसे सेल्फी ले सकता हूँ, वो हाँ बोलता है तो ठीक, ना बोलता है तो आप खुद सेलिब्रिटी हो तो आप वहाँ से निकल जाओ। ये होता क्या है, मैंने टाइगर श्रॉफ की भी वीडियो डाला था। टाइगर श्रॉफ आ रहा था, एक आदमी आया, वो फ़ोटो लेने गया तो टाइगर श्रॉफ के बॉडीगार्ड ने उसको पुश किया। तो अभी वो वीडियो उसके घर वाले देखेंगे, उसके रिश्तेदार देखेंगे, तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। हमें क्यों हमारी बेइज्जती करानी। वो फ़ोटो हम ले तो लेंगे, फ़ोटो हम डालेंगे इंस्टाग्राम पर लाइक्स के लिए, या फिर फ़ोटो से हम खुश हो जाएंगे। बेटर है पूछ लो, जब सेलिब्रिटी फ्री हो मैं सेल्फी ले सकता हूँ, वो हाँ बोले तो ठीक, ना बोले तो ठीक। सेल्फ रिस्पेक्ट भी बची रहेगी और कभी लगेगा भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की, इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।